हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजे मेडिसिन। मेरा नाम है अजीत और आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अल्कासिट्रोल सिरप पे। अल्कासिट्रोल सिरप किस काम आता है, इसके यूजेस क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये सिरप जब सजेस्ट किया जाता है जब किसी के यूरिन में प्रॉब्लम होने लगता है, पेशाब के रास्ते में जलन या किसी भी प्रकार का दर्द या रुक रुक के पेशाब आना, इस तरीके इस कंडीशन में ये दवाई सजेस्ट करते हैं डॉक्टर। अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि हम पानी अपने शरीर की ज़रूरत के हिसाब से कम पीते हैं। पानी कम पीने की वजह से इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से इसे ठीक कर सकते हैं हम। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेडिसिन की ऐसी जानकारी चाहते हैं तो मेरा वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो ये वाला सिरप है, वो अल्कासिट्रोल सिरप, और इसके अंदर है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। ये आपको पीना है और इसे पीने का तरीका जो है, इसको पीने का तरीका यह है दोस्तों, अगर एडल्ट आदमी है तो एडल्ट आदमी पियेंगे 2 चम्मच 1 गिलास पानी में दिन में 3 बार। अगर 12 साल का कोई बच्चा है तो वो पिएगा 1 चम्मच दिन में 3 बार। अगर कोई 7-8 साल का बच्चा है तो वो पियेंगे आधा चम्मच दिन में 3 बार। तो ये इसके यूजेस हैं। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बता देता हूँ। फ़ायदे ये हैं दोस्तों कि पेशाब में जो जलन हो रहा है वो बंद हो जाता है इससे, और रुक रुक के जो पेशाब होता है वो भी ठीक हो जाता है। किसी भी प्रकार का दर्द होता है पेशाब ना होने की वजह से, तो वो भी आराम हो जाता है उसमें भी। तो ये इसके फ़ायदे हैं दोस्तों। अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट नॉर्मली हो सकता है इससे, ईचिंग वगैरह हो सकती है। साइड इफ़ेक्ट इसी तरीके से होते हैं, ईचिंग या पेट में दर्द, ज़्यादातर पेट में दर्द की शिकायत होती है, वैसे तो और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वैसे ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट देखे नहीं आते, थोड़े बहुत आ सकते हैं तो किसी किसी के होते हैं बस। सो दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है, कल फिर मिलूँगा आपको नई वीडियो के साथ। गुड बाय।